बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई बहन अहबाब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के फजल और करम से कि मैं खैरियत से। तो आज एक नए मकाम नई लोकेशन के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है, ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मामलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा भयानक हैं, बताए गए हैं, और यही हम चेक करने के लिए यहाँ पे अब मौजूद हैं। तो जितने भी हमारे दोस्त जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है, जिन्होंने हमें लाइक्स किए हैं, जो हमें पसंद करते हैं, उन सबको मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे ही मुझे अपनी मोहब्बतों में याद रखिएगा। तो ये लोकेशन के बारे में मैं आपको विजिट करवाता चलूँ कि यहाँ पे बताया गया है कि कोई किसी ने काला जादू किया था और उसके जो असरात हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे जब रात के वक्त मालिक मकान इसको चेक करने के लिए यहाँ पे आया और उसने इसकी कंडीशन देखी और अंदर दाखिल हुआ, देखता रहा और अचानक उसे कोई चीज़ नज़र आई, वो धड़ाम से नीचे गिरा और काफ़ी ज़्यादा उसके बाजू पे चोट भी लगी और वो काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ से भागा। और वो काफ़ी ज़्यादा डर गया। तो हम यहाँ पे वही चीज़ चेक करने के लिए आज मौजूद हैं कि वो क्या चीज़ है यहाँ पे मौजूद है जो, और चेक करते हैं। तो इसका पहले आप विजिट करवा दें बाहर से। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, जो हबीब भाई हैं वो काफी ज्यादा बीमार हैं। डॉक्टर के पास उनका इलाज चल रहा है और जैसे ही वो आएंगे तो इंशाल्लाह दोबारा हम अपने रूटीन के साथ जो काम है वो करेंगे। और हबीब भाई का पता करने के लिए मैं गया था और दोबारा फिर से जाऊंगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा तू। तो जो आप समझ रहे वो नहीं है, उससे कोरोना नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन बुखार उसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ था। तो मतलब उसके लिए आप दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उसे सेहत दे और वो जल्द से जल्द वीडियो में आ सके। तो आइएगा। ये जो लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका मेन गेट नहीं लगा और लगा हुआ है, और यहाँ पे जो इंसान था वो आया, उसने यहाँ पे अपना जो काम किया वो बहुत ज़्यादा भयानक था। जब उनको पता चला, लेकिन तब तक तो वो भाग चुका था। तो इंशाल्लाह देखते हैं यहाँ पे क्या असरात हैं उसके। आ जाते हैं। ये कमरा है इनका, और सबसे पहले जो ये आप दिखाइएगा, सबसे पहला जो सबूत है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे।
क्या चीज़ और यहाँ पे जो क्या चीज है यहाँ पे, क्या यहाँ पे कोई चीज, जो भी चीज है यहाँ पे, हम आपसे बात करने के लिए यहाँ पे आए और किसी किस्म का आप हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत कीजिएगा, लिहाजा हम आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, तो आप भी हमसे प्यार से बात करें। जैसे ये कोई चीज या पुतला जलाया गया हो, ये देखो बिल्कुल जो है ना, चेक कर, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि क्या चीज़ है यहाँ पे, हम प्यार से आपसे बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो प्लीज आप हमारा नुकसान करने की कोशिश मत कीजिएगा। भैया उनको देखिएगा कोई चीज जैसे, अल्लाह अकबर, इस घर में जो भी ये मामला हुआ ये किसी ने करवाया है उस आदमी से, ये काफी ज्यादा खतरनाक चीजें होती हैं और इंसान को ये मार भी सकती हैं, तो लिहाजा इनसे बचना चाहिए। इंशाल्लाह जो भी यहाँ पे मामला है सभी चेक कर रहे हैं हम। घर को देख सकते हैं आप, बिल्कुल खूबसूरत तैयार कर रहे हैं, हो सकता किसी ने इस जगह को खरीदने की कोशिश की हो या फिर ये घर बन रहा हो उसे पसंद आया हो, उसने ये खरीदना चाहा हो और मालिक ने बेचना पसंद ना किया हो, इस वजह से यहाँ पे उन्होंने ये काम करवाया। क्या यहाँ पे कोई चीज मौजूद है, क्या अभी भी कोई चीज यहाँ पे मौजूद है? अस्तग़फ़िरुल्लाह, यहाँ पे गर्मी की जो शिद्दत है ये काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और
lost it. We lost it. किसी चीज की आवाज आ रही है आपको? यहाँ पे जो काम किया गया उसके सबूत भी यहाँ पे मौजूद है। इस जगह पे हमें वो भी चीज नहीं मिल सकी जिसकी तलाश में हम आए। इस जगह पे आप स्मेल चेक करें, यहाँ पे शायद आपको भी आ रही होगी। ये कुछ है अस्तग़फ़िरुल्लाह।
के अंदर मौजूद है, लेकिन इतनी एक्टिविटी जो बताई गई है हमें वो अभी तक हमें महसूस नहीं हुई यहाँ पे। क्या यहाँ पे आप अभी तक मौजूद हो तो हमें बिना नुकसान पहुंचाए आप हमसे बात कर सकते हो? अभी तक यहाँ पे जो चीज हम ढूंढने के लिए आए हैं वो चीज हमें मिल नहीं रही है। एक बार और चेक करते हैं यहाँ पे। किसी जोगी का लिखा हुआ है, जोगी आगे पता नहीं क्या यार के क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ, जोगी यार। वो जोगी था जैसे यहाँ पे आया। अच्छा ये जो ऐसा काम करते हैं ये जोगी टाइप ही होते हैं लोग, इनको काली रंग का काफी ज्यादा इल्म होता है, तजुर्बा हासिल होता है, क्योंकि ये लोग कब्रिस्तान में जाकर अपने आप को वहां पे चिल्लाकशी करते हैं, वहां पे अपने आप को कब्रों में बंद कर लेते हैं। अक्सर आपने ये देखा होगा, उससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये जो ऐसे इंसान होते हैं ये सिर्फ पैसों के लिए किसी को भी मार सकते हैं काले जादू से। यहाँ पे मौजूद है हम, ये क्या चीज है? यहां पे भी कुछ जलाया गया और
और इसको आप अच्छे से दिखाएंगे। ये चीज क्या है, दायरा भी लगाया गया यहाँ पे, ये कुछ ये जलाया गया इसके अंदर। जैसे हमें ना कोई चीज जाने को कह रही है यहां से, घबराइएगा मत, हम यहां पे चले जाएंगे। लेकिन आप जो भी थे यहाँ पे जो भी चीज थी वो काफी ज्यादा खतरनाक थी, यहाँ पे बिल्कुल बाकायदा, लिहाजा हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारा पीछा करने की जरूरत नहीं है आपको। कमरे के अंदर यहाँ पे मौजूद थे, यहाँ पे खड़े थे और अचानक से कोई चीज जो थी वो देखो, इसके जो सार है आपको भाई दे रहे होंगे, ये तो चीज है। और बिल्कुल इसका